वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज से हम कक्षा 12 केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी व्हाइट बोर्ड पर नहीं बल्कि पेन टेप से मोबाइल पर हम बना रहे हैं, और वीडियो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। और कोई भी दिक्कत हो वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का। देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है आपका इधर कक्षा 12, थोड़ा सा रेड ले लेते हैं हम, रेड। देखिएगा, ये आपका कक्षा 12 का है पहला चैप्टर, यानी कक्षा 12 केमिस्ट्री का लेसन 1 है। लेसन 1 का नाम, यानी कि अब पहले लेसन 1, यानी ध्यान से समझ लो, पहले आपका सॉलिड स्टेट होता था, ठीक है? सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर होता था, यानी कि ठोस अवस्था, ठीक है? पहले चैप्टर का नाम था ठोस अवस्था, जो कि अब हटा दिया है ठोस अवस्था। अब आपका ये पूरा आएगा नहीं, अब सीधे सीधे पहला चैप्टर विलयन है, यानी कि सॉल्यूशन। तो ये पहला चैप्टर है आपका, अब बोर्ड परीक्षा में पहला चैप्टर, जो पुराने टाइप में जो पहला चैप्टर आता था वो हटा दिया है, अब पहला चैप्टर है जिसका नाम है विलयन। इसको स्टार्ट करते हैं, चलिएगा, थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से हम सीखेंगे चीज़ों को, और प्यार से एकदम हर चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें हम सीखते हैं कि ये देखिएगा, दो चीज़ें हैं यहाँ पर आपका मिक्सचर, यानी कि एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक है होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब हिंदी में बोले तो मिश्रण। आपने देखा होगा मिश्रण की परिभाषा बहुत जगह देखी होगी, और ये मिश्रण की परिभाषा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल में है। क्या है मिश्रण, क्या होता है? यानी कि देखिएगा, दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ मिला दें तो उनसे एक नई चीज़ का निर्माण हो जाता है, उसी चीज़ को हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में किसी भी अनुपात में, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें, यानी यौगिक होता है एक मिश्रण के साथ में, एक नाम और जुड़ता है यौगिक। यौगिक क्या होता है भाई? यौगिक ऐसी चीज है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं लेकिन निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। जैसे यौगिक का एक एग्जाम्पल जल है। जल में क्या होता है कि H के हाइड्रोजन के दो अणु लेंगे, ऑक्सीजन का एक अणु लेंगे, दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर जल बन जाएगा। यानी हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, यानी 2:1 में, तो इनका जो अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हुआ? 2:1, ठीक है? लेकिन मिश्रण के केस में ऐसा नहीं है, मिश्रण में मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें। जैसे कि आपने क्या किया, खीर बना रहे हो, आप ऐसे समझ लीजिए खीर में आप चीनी कितनी भी डाल दो, चावल कितने भी डाल दो, आप इच्छा अनुसार डाल सकते हो। जिसको मीठा ज़्यादा पसंद है तो चीनी ज़्यादा डालेंगे, जिसको कम मीठा पसंद है चीनी कम डालेंगे। इस तरीके से आप जितना आप डालें तो वो मिक्सचर बन जाएगा एक प्रकार का, ठीक है? उसमें किसी भी चीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि जल में आप क्या करो, चीनी को घोल दो तो क्या होगा? देखिए, इस तरीके का दिखाई देगा ना, तो चीनी दिखाई देगी अलग, जैसे कि शुगर बोले चीनी और यहाँ पे है जल, जल और चीनी को घोल देंगे तो एक अलग प्रकार का आपका शरबत टाइप का बन जाएगा और उसमें चीनी अलग नहीं दिखाई देगी। लेकिन आप ऐसा करिएगा, सैंड यानी बालू है या रेत मिट्टी कंकड़ पत्थरों को हम पानी में मिला दें तो इस तरीके से आपके अलग अलग दिखाई देंगे। कांच के गिलास में देखोगे तो पानी अलग दिखाई देगा, उसमें कंकड़ पत्थर अलग दिखाई देंगे। तो ये कौन सा मिश्रण होगा? ये विषमांगी मिश्रण होगा, यानी कि इसको हेट्रो, ध्यान से समझिएगा, इसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस मिश्रण, ठीक है? समझ में आ गई बात? हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में अंतर समझ में आ गया होगा अच्छे से। होमोजीनियस यानी कि ये जो हमने बताया था, जैसे कि आपका पानी में आपने चीनी घोल दी, तो ये होगा आपका समांगी मिश्रण, यानी कि इसमें दोनों प्रावस्थाएँ आपकी कैसे होंगी, बिल्कुल घुल जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा। जैसे कि पानी में आपने क्या करा, कोई चीज़ घोल दो जो दिखे नहीं, जैसे कि पानी में आपने चीनी घोल दी, ठीक है? नमक घोल दो, नमक घोलने के बाद में रख दोगे तो उसमें पता नहीं चलेगी, ठीक है? इस तरीके से समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब पहले थोड़ा सा इसको, ओहो ये हो गया, ठीक है? अब आते हैं इधर, देखिएगा, ओके, ऑलराइट। अब इस चैप्टर का टॉपिक ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है असली टॉपिक इस चैप्टर का, ये है पहला विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही विलयन है तो विलयन आपको पता होना चाहिए, विलयन आखिर होता क्या है।
तो विलयन को ऐसा समझिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब समझ में आ गया? अभी अभी मैंने मिश्रण के ऊपर इतना सारा लेक्चर दिया है। समांगी का मतलब जैसे कि पानी में आपने चीनी घोल दी, पता ही नहीं चल रही है कि चीनी कहाँ है पानी कहाँ है, यानी कि एकदम होमोजीनियस एक दूसरे से मिल जाना, समांग हो जाना, यानी कि समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक प्रकार से जब हम पानी में चीनी घोल देंगे तो वो भी एक विलयन होगा। क्या होगा? वो भी विलयन होगा। विलयन के कुछ उदाहरण जैसे कि देखिएगा, ये जल में चीनी डालकर पात्र को हिलाने पर चीनी और जल घुल जाती है, यानी चीनी जल में घुल जाती है, तथा चीनी और जल एक ही पारदर्शी मिश्रण बन जाता है, यानी कि चीनी और जल अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, वो एक ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? विलयन कहेंगे। जैसे वायु देखिएगा, वायु वायु भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है, और इसीलिए ये विलयन है। वायु क्यों? क्योंकि वायु तो दिखाई नहीं देती है, पर वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सारी चीजें गैसें होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन होती हैं। तो वायु भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है, और मिश्रण मतलब समांगी मिश्रण है, उसमें अलग अलग नहीं दिखाई देंगी गैसें, तो इसीलिए हम वायु को विलयन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी टिक मार्क भी आ जाता है कि वायु मिश्रण वायु विलयन है या नहीं। बिल्कुल है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वो मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, याद रखिएगा टिक मार्क। अब आपका देखिएगा, विलयन में दो चीजें आपकी रहती हैं, एक विलेय रहता है एक विलायक रहता है। विलयन में जैसे कि हमारा क्या लिया था हमने? चीनी, और चीनी के साथ में हमने क्या करा? पानी लिया था, और दोनों को मिला दिया, दोनों को हमने क्या करा? घोल दिया। तो क्या होगा? पानी चीनी में घुलेगा या चीनी पानी में घुलेगी? तो आपको पता है जब पानी में आप चीनी को डालकर घुलाओगे घुमाओगे या चलाओगे हिलाओगे तो चीनी पानी में घुल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि घुलने वाला पदार्थ कौन सा है? चीनी। तो चीनी को हम क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। चीनी क्या है? यहाँ पर विलेय हो जाएगी, और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। समझ में आ गई बात? विलायक, जो पदार्थ घुलता है, यानी कि जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में विलेय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं, यानी कि जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है मिल जाता है उसको हम बोलते हैं विलेय, और जिस पदार्थ में वो मिलता है उसको हम विलायक कहते हैं। जैसे चीनी में नमक डालेंगे तो नमक पानी, यानी कि आपका पानी में आप चीनी डालो या नमक डालो तो नमक घुल जाएगा, विलेय। चीनी डालोगे वो भी विलेय है। ठीक है, चलिएगा अब थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर परिभाषा भी लिखी हुई है, देखिएगा विलेय और विलायक की परिभाषा भी लिखी हुई है। क्या है देखिएगा, ये देखिए, विलेय विलेय क्या है? वह पदार्थ, वह यानी विलयन, विलयन का वह घटक जो विलीन होता है, विलीन का मतलब जो घुलता है, अर्थात जो घुलता है, बात समझ में आ गई, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं, SOLUTE, सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कि जल में नमक घोलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है, अर्थात घुल जाता है, तब नमक को हम विलेय कहते हैं। नमक क्या होगा? विलेय होगा। समझ में आ गई आपको अच्छे से? अब आती है विलायक। विलायक क्या है? विलयन का वह घटक जिसमें विलेय घुलते हैं, जिसमें विलेय विलीन होता है या घुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लेते हैं शरबत बना रहे हैं, पानी 1 लीटर लेंगे, चीनी 2 3 4 चम्मच डालेंगे, चाय बना रहे हैं तो चाय की पत्ती थोड़ी लेंगे, पानी ज्यादा लेंगे। ठीक है, या उसमें चीनी डालेंगे चीनी कम डालेंगे, तो यानी जो कम मात्रा में रहता है मोस्टली वो विलेय होता है। ठीक है, कम मात्रा में जो होता है वो मोस्टली विलेय होता है। समझ में आ गई आपको? जो ज्यादा मात्रा में होता है वो मोस्टली 99% केसेस में वो विलायक होता है। ठीक है, चलिएगा। जैसे जल में नमक घोलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है, तो सॉरी, नमक जो है देखिएगा ये क्या लिख रहा है, जल में नमक घोलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है। नमक जो है जल में घुल रहा है, नमक जल में घुल रहा है तो जल यहां पर विलायक है, और जो घुलने वाला पदार्थ नमक है तो नमक विलेय है। समझ में आ गया अच्छे से? चलिएगा, ये भी बात आपको क्लियर हुई। देखिएगा, इस तरीके की वीडियो आपको यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को भाई लाइक करिएगा और सब्सक्राइब
सपोर्ट करिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को दबा के, ठीक है, जिससे कि और आगे मैं बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकूं और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिएगा, अब कुछ विलियन के प्रकार आ जाते हैं। विलियन कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि देखिएगा, एक होता है जैसे ये ठोस विलियन होते हैं। ठोस विलियन का मतलब वे विलियन जिनमें विलायक जो है, देखिए ये विलायक है जिसमें विलायक ठोस होता है। विलायक यहाँ पर भी ठोस है, यहाँ पर भी ठोस है और यहाँ पर भी ठोस है। ऐसे पदार्थ जिनमें विलायक ठोस होता है उन सभी विलियनों को हम ठोस विलियन कहते हैं, ठीक है। जब विलायक ठोस है तो उसमें विलेय ठोस भी हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है और विलेय गैस भी हो सकती है। तो देखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है, विलेय भी ठोस और विलायक भी ठोस, जैसे कि तांबा और सीसे, ये क्या है, ये आपके ठोस ठोस विलयन के उदाहरण हैं। ठोस ठोस विलयन का मतलब क्या है, जैसे कि हम सिक्का धातु बनाते हैं, सिक्का धातु में बहुत सारी कांसा वांसा मिला के बनाते हैं, उसमें बहुत सारी धातुएं मिलती हैं, तो वो ठोस ठोस विलयन होगा, ठीक है। जैसे चूना पत्थर बनता है तो वो भी आपका ठोस ठोस विलयन होगा, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, एक द्रव और ठोस विलयन। द्रव और ठोस विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय जो है द्रव हो और विलायक ठोस हो, जैसे कि पारे का सोडियम के साथ अवलगम, यानी कि पारे को सोडियम के साथ मिला देंगे, पारा आपका द्रव है, सोडियम आपका ठोस है, तो पारा सोडियम में जाके घुल जाता है, मिल जाता है, इसलिए ये द्रव ठोस विलयन कहलाएगा। ये आपका गैस ठोस विलयन कहलाएगा, जैसे कि पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन, यानी कि पैलेडियम आपका ठोस है, हाइड्रोजन आपकी गैस है, हाइड्रोजन पैलेडियम में मिल जाती है, घुल जाती है, इसलिए ये आपका क्या होगा, गैस ठोस विलयन होगा, जिसमें ठोस आपका विलायक है और विलेय आपका गैस है, जो कि आपकी इस तरीके से ठोस ठोस विलयन बन गया। अब आगे चलते हैं, आगे हम सीखेंगे, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पर बात करेंगे हम द्रव विलयन क्या है। द्रव विलयन यानी कि वे विलयन जिनमें विलायक द्रव होता है वो द्रव विलयन कहलाते हैं। विलायक द्रव वह है, विलेय कोई भी हो सकता है, विलेय चाहे तो यहाँ पर देखिएगा ठोस हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है, विलेय गैस भी हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन कौन सा होता है, जिसमें विलेय तो ठोस हो और विलायक द्रव हो। तो विलायक मतलब जैसे जल ले लो, जल में आप क्या कर दो, ग्लूकोज मिला दो, जल में चीनी मिला दो, चीनी क्या है, ठोस है और वो जल में घुल जाती है, तो चीनी यहाँ पे विलेय होगी और विलेय ठोस हो गया। और विलायक क्या है, जल, जल में चीनी घुल रही है या ग्लूकोज घुल रहा है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। द्रव द्रव विलयन, जैसे कि दो घुट मिला दे साथिया, मतलब एल्कोहल दारू में आपने पानी मिला दिया, दोनों ही लिक्विड है, तो ये द्रव द्रव विलयन कहलाएगा। अब आपका गैस द्रव विलयन, तो मतलब क्या है, वायु में ऑक्सीजन घोल दो, तो ये क्या है, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, वायु में, देखिए वायु में घुली ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे जल कह दीजिएगा, जल में घुली ऑक्सीजन, जल लिखिएगा, जल, जल ज़्यादा बेहतर रहेगा, जल में घुली ऑक्सीजन। जल का मतलब क्या है, जल आपका द्रव है और इसमें ऑक्सीजन घोल दी जाएगी, जैसे सोडा वाटर पीते हैं, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोला जाता है। सोडा वाटर जो होता है ना, सोडा वाटर आप पीते हो, तो सोडा वाटर में क्या होता है, जो पानी होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे हम पीते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सोडा वाटर भी एक इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, अब आते हैं देखिएगा गैस विलयन पर, जिसमें विलायक तो गैस है और विलेय कोई भी हो सकता है। विलायक आपका गैस होना चाहिए, विलायक कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका देखिएगा वायु, वायु क्या है, एक प्रकार की गैस है और इसमें हमने ठोस यानी कि आयोडीन हमने इसमें मिला दिया, तो आयोडीन आपका ठोस हो गया और यहाँ पर गैस क्या है, वायु गैस है, तो वायु क्या है, विलायक होगा, क्योंकि आयोडीन उसमें वायु में घुल जाता है, इसलिए वायु में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो ये आपका क्या होगा, ठोस गैस विलयन होगा। द्रव गैस विलयन, जैसे कि वायु को जलवाष्प, वायु को और जलवाष्प को मिला दें, जलवाष्प आपकी द्रव होगी, वायु आपकी यहाँ पर गैस होगी, गैस गैस का मिश्रण यानी कि वायु, हवा जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन सारी चीज़ें सारी गैसें मिली रहती हैं, तो ये तो विलयन आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं,
अब आगे आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है भाई, इसको सीखते हैं, पहले संतृप्त विलयन को पढ़ते हैं। संतृप्त विलयन के लिए थोड़ा सा देखिएगा, एक पैराग्राफ आप पढ़िएगा कि किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है। हम सबसे पहले क्या लिया, एक पात्र लिया, उसमें हमने मान लो सपोज दैट एक लीटर पानी डाल दिया। अब एक लीटर पानी में आपने दो चम्मच चीनी ली, घोली, घुल जाएगी। अब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मात्रा चीनी की डालकर विलयन को हिलाते रहें, हिलाने पर चीनी जल में विलय होता रहता है। यानी कि ऐसे समझिएगा, एक पात्र लिया, उसमें एक लीटर हमने जल ले लिया और उसमें चीनी डाल दी, चीनी डाली, घोली, घुल गई, फिर और चीनी डाली, फिर घुल गई, फिर और चीनी डाली, फिर घुल गई। तो ऐसे ही करते 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 चीनी डालते रहोगे, पानी गाढ़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसमें चीनी डालोगे तो उसमें पपड़ी यानी इतना गाढ़ा हलवा टाइप का हो जाएगा, फिर उसमें चीनी घुलेगी नहीं। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब फिर उसमें चीनी घुलेगी नहीं। जो वो ऐसी स्थिति आ जाए, उस विलयन को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाने पर चीनी जल में विलय होता रहता है। यानी कि चीनी का जल में विलय होता रहता है। आगे, लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब चीनी जल में घुलना रुक जाती है। भाई आएगी ऑब्वियसली, एक ऐसी स्थिति आएगी, चीनी गाढ़ी होती जाएगी, यानी बहुत गाढ़ा हो जाएगा, चाशनी टाइप की और गाढ़ी हो जाएगी, तो उसमें चीनी घुलेगी नहीं, तो रुक जाती है। एवं चीनी के विलयन यानी चीनी के विलयन के पात्र में नीचे बैठ जाती है, यानी चीनी जो होती है वो विलयन के पात्र में नीचे बैठ जाती है। इस अवस्था को विलयन की संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी कि इस प्रकार के विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर देखो, ये परिभाषा, स्टैंडर्ड परिभाषा लिखी हुई है, वह अवस्था जिसमें निश्चित मात्रा में विलायक में, यानी निश्चित मात्रा के विलायक में और अधिक विलय घोला ना जा सके, यानी कि एक निश्चित मात्रा के विलायक में और अधिक विलायक विलेय पदार्थ घोला ना जा सके, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उस प्रकार के विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें घोला जा सके यानी घोला ना जा सके, ऐसा समझिएगा, ठीक है ना, और अधिक विलेय पदार्थ को घोला ना जा सके, उस पदार्थ को, उस ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखिएगा, वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोले जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। बात दोनों आ गई, यहीं पर क्लियर हो गई। संतृप्त विलयन कौन सा, जिसमें और अधिक विलय पदार्थ घोला ना जा सके, और यदि और पदार्थ उसमें घुल रहा है तो लगातार जब तक विलयन घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है और दूसरा पदार्थ, तब तक वो असंतृप्त विलयन होगा, ठीक है। चलिएगा, इस चीज को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा विलेयता, इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, तो यहाँ से सवाल आपका आ सकता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विलेयता क्या होती है, विलेयता देख लीजिएगा, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलकर एक संतृप्त विलयन का निर्माण करती है। यानी कि एक निश्चित विलायक में अधिक से अधिक कितना विलय पदार्थ लूं कि वो आसानी से उसमें डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, तो ऐसी मात्रा को हम क्या बोलेंगे, उसकी विलेयता, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, पदार्थ की विलेयता कहते हैं। नॉर्मल भाषा में देखिएगा, ये परिभाषा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, पेपर के लिए इस वाली परिभाषा को याद कर सकते हो। किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, यानी कि वह अधिकतम मात्रा किसी पदार्थ की, या किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में आसानी से घुल सके। अब भैया 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी में आप एक कुंटल यानी 100 किलोग्राम चीनी घोलना चाहो तो घुल जाएगी, नहीं घुल पाएगी, एक निश्चित मात्रा होगी कि उससे ज़्यादा नहीं घुल पाएगी, तो वही क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी, ठीक है। अब विलेयता का सूत्र होता है भाई, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक,
100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की ग्राम में जितनी मात्रा घोली जा सकती है उसी को हम विलेयता कहते हैं। तो विलेयता का फॉर्मूला विलेय पदार्थ की मात्रा नीचे विलायक की मात्रा इंटू 100, ये आपका क्या बन गया, विलेयता का सूत्र बन गया। अभी सवाल में सिखाऊंगा आपको, विलेयता के काफी सारे सवाल सिखाऊंगा विलेयता पर आधारित। विलेयता देखिए, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे आपने देखा होगा गर्म दूध लेते हो उसमें चीनी जल्दी से घुल जाती है, और ठंडा दूध लेते हो चीनी उसमें घुलती नहीं है जल्दी से। तो यानी कि ताप बढ़ाने पर पदार्थों की विलेयता बढ़ जाती है, सीधी सीधी बात, ताप बढ़ाने पर पदार्थों की विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये देखिए विलेय और विलायक की प्रकृति, यानी कि जितने विलेय पदार्थ, जितने विलेय पदार्थ के अणु जितने ज़्यादा बड़े होंगे उतनी ही देरी से घुलता है। जैसे चीनी ज़्यादा मोटी होगी तो देरी से लगेगी, और लेकिन चीनी को जब पीस दो तो वो जल्दी से घुल जाती है दूध में। ठीक है, तो मतलब ये है कि जितने ज़्यादा कण मोटे होंगे उतनी ही ज़्यादा देरी से घुलते हैं। आगे आपका विलेय के कणों पर देखिएगा, किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी विलेय होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखिएगा, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक, किसी विलायक पदार्थ में वे पदार्थ ही विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक के समान होती है। मतलब ये है विलेय और विलायक दोनों एक समान प्रकृति के होने चाहिए तभी वो आपस में घुलेंगे। यानी कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय पदार्थ ही घुल सकता है और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय पदार्थ ही घुल सकता है। तो ये चीज भी, यानी कि समायनन प्रभाव के, समायनन प्रभाव तो आगे आएगा, यानी प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं, एक जैसे ही आपस में घुले जाते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये भी है, एक इसे और कर लीजिएगा। विलेय के कणों की आकृति, यानी कणों के बताई दिया, समायन प्रभाव, विलयन में समायनों की उपस्थिति में अल्प विलेय, यानी विलेयता कम हो जाती है। समायनों की उपस्थिति में यानी कि आप ऐसे समझिएगा Na पॉजिटिव और आपका K पॉजिटिव आयन, ये आपस में नहीं जल्दी से नहीं घुल पाएंगे। यानी समायन जिन पर आयन समान होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आसानी से नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें देखिएगा यहाँ पर दे रखा है NaCl की अपेक्षा AgCl की जल में विलेयता अधिक होती है, क्योंकि उसमें Cl आयन की अपेक्षा AgCl में विलेयता को कम कर देती है। यानी कि ये जो NaCl में Cl नेगेटिव जो आयन है वो AgCl, यानी कि यहाँ पर Cl नेगेटिव है, उसकी विलेयता को कम कर देते हैं। ये समायन प्रभाव है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव की विलेयता को कम कर देती है और पॉजिटिव पॉजिटिव की विलेयता को कम कर देती है। ठीक है, चलिएगा बस इतना ही है। आज की वीडियो कैसा लगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा रहा। ठीक है, कैसा रहा ये आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF में। वीडियो को लाइक करिएगा और आप शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।